गाइस मुझे लगता है आज हम बहुत लेट पहुंचेंगे क्योंकि जाम में फंसे पड़े हैं। आपको दिखा देता हूँ, बहुत तगड़ा जाम लगा पड़ा है और ये हमारे शाहनवाज भाई भी हमें पता ना जाने कहाँ से ले आए। देखो भाई, देखो धंधा लगाना भी अपन बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, काम नहीं है एक तो शाहनवाज भाई तुम्हारा काम ट्रैफिक खाली हो गया अभी देखते। तो शाहनवाज भाई तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? तो भाई शाहनवाज भाई का तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और आप हमारे लिए भी दुआ करो कि हमारा भी काम अच्छा चले। तो फिलहाल अभी मैं पहुँचता हूँ कॉलेज, वहाँ जाने के बाद अपना धंधा जमाते फिर मिलते भाई। तो गाइस मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैं धंधा लगाता हूँ अपना, और ये जो पीछे फ़ोन पे बात कर रहे हैं हमारे सर्वर भाई, यहाँ पे बस यार मुंबई में एक लोचा आया है कि PMC वाले यार बहुत परेशान करते हैं 6 बजे के बाद। हालांकि PMC वालों का टाइम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कहीं आ ना जाए। अगर वो माल उठा के ले जाते तो हम जितना कमाते नहीं जितना हम उनको दे देते हैं, तो डर लगा रहता है। लेकिन मैं अपने धंधे पर आ गया हूँ और मैं आपको धंधे की लोकेशन दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। आप देखो यह एरिया आपका किंगसन कोर्ट्स, और यहाँ पे हमारा ऑटो स्टैंड है, यह है पैराडाइज टावर, और जस्ट इन दोनों की बिल्डिंगों के बीच में ही मैं यहाँ डिया लगाता हूँ। यहाँ जहाँ पर ये तीन लेडीज आ रही हैं इनके बीच में मैं लगाता हूँ। तो गाइस ये है मेरा, और मेरे पीछे जो है जहाँ जियान गाना गाता था, मैं हूँ जियान, ये वो जगह है। ये वो नहीं है लेकिन ये मुंबई के वसई रोड पर स्थित है, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपना छोटा सा धंधा लगाता हूँ शूज़ का। जिसको भी लेना हो वो नाला सुपारा वेस्ट ईस्ट में आ जाए और मेरे से ले जाए, बहुत सस्ते रेटों में शूज़ देता हूँ। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं धंधा लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो अभी तब तक के लिए भाई मैं आपको बाद में मिलता हूँ, ठीक है? तो गाइस मैंने अपना धंधा जमा लिया है, और ये है भाई हमारे कुल्फी वाले, से हाय ब्रो। इन्हें कुछ नहीं मालूम अभी, मैंने अपना धंधा जमा लिया, और जैसे मैंने आपका पहले दिखाया था ये भला आदमी हमारा भाई सर, और भाई अपनी बंदी से बात करते हुए काम में कोई ध्यान नहीं। तो भाई मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा धंधा इस तरह से, कुछ इस प्रकार से आप अपना धंधा लगाते हैं। देखो यार घर से इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा ना, काम जमाते करते हैं 100, 200, 500, 1000 जो भी बच जाता है। बाकी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हमें कितना बच सकता है, कभी कभी हम लेस में भी आ जाए, नुकसान भी होता है कभी कभी, फ़ायदे का कभी इंसान को फ़ायदा नहीं देखना चाहिए कि नुकसान में भी होते हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल धंधा जमा लिया है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये है गाइस हमारा धंधा, ये हमारे पास सारा रिबॉक, एडिडास, पूमा, नाइक, ये सब की हमारी फर्स्ट कॉपी मिलेगी और रिजनेबल रेटों में मिलेगी। तो ये यहाँ लगता है कपड़ों का ठिया, बाकी हसीन आ रही हैं। हमारा विवा कॉलेज और ये हमारा टैंक, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये आउट एरिया, यहाँ पार्क है, यहाँ पर आपके 2 मिनट बैठ कर अपना रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारे बटला भाई, गाइज आपको जैसा कि मैंने बताया मैंने अपना धंधा जमा लिया, थोड़ा काम धंधे पर दिमाग दे लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या रात को मिलते हैं आपको पैकअप के दौरान, ठीक है ब्रो? यार दोस्तों बस क्या बताएं यार, आज धंधे का पूरा मसला बिगड़ गया, काम नहीं है सुबह से यार, जब से लगाया है। तो गाइज आ गया हूँ मैं अपने रूम पर, कमा कर थका हारा, रूम के
के बाहर ही बैठा हूँ। आज धंधा थोड़ा सही नहीं चला, थोड़ा दिल दुख रहा है क्योंकि फैमिली तो थोड़ा सा दूर है और काम नहीं चले तो यार अच्छा नहीं लगता। घर पे आ गए हैं, थके हारे काम कर लिया, निपटा लिया अपना जो भी काम था हमने। अभी थोड़ी देर बाद अब सो जाएंगे, मन तो लग नहीं रहा अपना फैमिली की पर चलता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? अगर होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल नहीं लगता यार जब तक घर वाले फ़ोन करके ये नहीं पूछते कि मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी फैमिली को, बहुत ज़्यादा। चलो भाई, गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल। जीते बंदे रहे तो कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।